वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. ज्ञान प्रसारक शिक्षण संस्था चेयरमैन रिस्पेक्टेड श्री सुरेश भाव संगपा सर, चार्टर्ड इंग्लिश स्कूल प्रिंसिपल मिसेस स्मिता संगपा मैम, ऑल द टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, फर्स्ट आई वेलकम यू टू ऑल. टुडे इज ए वर्ल्ड टूरिज्म डे एंड फॉर दिस वी गैदर हियर टू सेलिब्रेट दिस डे. सो टूरिज्म इज ए प्रिजर्विंग एंड मेंटेनिंग कल्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो ऑन दिस ओकेजन अवर प्रिंसिपल मैम सजेस्ट अस टू डू वन ऑनलाइन पिकनिक. सो स्टूडेंट, दिस इज अ सरप्राइज फॉर यू. वी आर गोइंग टू पिकनिक बट इन डिफरेंट वे. ओके, सो हैप्पी ना? सो वी सी सम प्लेसेस एंड ऑल्सो नो वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्लेसेस. आई एक्सप्लेन टू यू. ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट द प्लेसेस. ओके, सो लेट्स गो. Students, you like these places? Okay. So I think some students know these places. Yes, na? So it is held in Navi Mumbai. Yes, जो भी सब place हमने अभी देखे ये सब Navi Mumbai के ही place है. And now I give you some information about this place. Okay? So let's go. Students, let's see one by one places. Okay? So our first place is Navi Mumbai Municipal Corporation. So I give you some information about that. So this is the Navi Mumbai Municipal Corporation head office building. So on 17th December 1991, NMMC means Navi Mumbai Municipal Corporation was created by the state government. Rajya Sarkar dwara Navi Mumbai Nagar Nigam ye banaya gaya hai. It looks very very nice, yes na? Okay, then our next place is Central Park. So this is the Central Park located in a Kharghar. ये कहाँ पे? खरगर में है. सो द पार्क कम्स विद द फैमिलीज सॉरी फैसिलिटीज सच एज 1.5 किलोमीटर वॉकिंग ट्रैक एंड गार्डन फिल विद द ब्यूटीफुल फ्लावर्स. सो यह पार्क में क्या है? 1.5 किलोमीटर पैदल ट्रैक है, चलने के लिए ट्रैक है और सुंदर फूलों से ये पूरा जो पार्क है ये भरा है. एंड ऑल्सो देयर इज ए ओपन थिएटर. सो सेवरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड हियर. सो यहाँ पे क्या है? ओपन थिएटर है. सो यहाँ पे क्या है? बहुत सारे जो इवेंट्स हैं ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और यहाँ एक वनस्पति उद्यान भी है. ओके, सो इट लुक्स वेरी वेरी नाइस ना? ओके, देन अवर नेक्स्ट प्लेस इज वंडर पार्क. आई थिंक आप में से बहुत लोग यहाँ पे जाके भी आए होंगे ना? ओके, सो लेट्स गिव सम इंफॉर्मेशन. लेट्स आई गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट द वंडर पार्क. ओके, सो वंडर पार्क लोकेटेड इन अ नेरूल. कहाँ पे है ये? नेरूल में है. सो वंडर पार्क इज ए की अट्रैक्शन इन नवी मुंबई. ये जो वंडर पार्क है ये जो नवी मुंबई है इसका की अट्रैक्शन है. बहुत ही ये आकर्षक है ये जो पार्क है ये. ओके, सो द मेन पर्ल्स आर द परफेक्ट रेप्लिकेस ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. जो दुनिया के 7 अजूबे हैं इनकी एकदम अच्छे से सही प्रतिकृतियाँ यहाँ पे बनाई गई है. सो हमारे दुनिया के 7 वंडर्स कौन कौन से हैं? सो ताजमहल, माचू पिच्चू, चिचेन इट्सा, चीन की दीवार, रोमन कोलेजियम, पेट्रो, क्राइस्ट द रिडीमर. ओके, सो दीज आर द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. और ये जो 7 अजूबे हैं इनकी बहुत ही सुंदर तरीके की प्रतिकृतियाँ, मतलब उसी के जैसी सेम रहती है दूसरी मूर्ति. इसे क्या बोला जाता है? प्रतिकृति, उसी के जैसे दिखना, बराबर. सो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज यहाँ पे द पार्क हैज ऑल्सो आर्टिफिशियल लेक एंड प्ले ग्राउंड विद द फुल्ली इक्विप अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन टू प्ले. और यहाँ पे सिर्फ वो स्टैचूज ही नहीं है तो यहाँ पे क्या है?
कृत्रिम झील भी है और बच्चों के लिए खेल का मैदान भी है और बड़े बड़े झूले भी है। ओके सो आप अगर जब भी यहाँ पे जाएंगे सो यू कैन एन्जॉय अ लॉट, आप बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय कर सकते हैं। ओके देन वी सी अ नेक्स्ट प्लेस, सो दिस इज अ पांडवकड़ा फॉल्स। अवर नेक्स्ट प्लेस इज पांडवकड़ा फॉल्स। इट लुक्स वेरी वेरी नाइस। इट लोकेटेड इन अ खारगर। ये कहाँ पे है? खारगर में है। ओके सो पांडवकड़ा फॉल्स इज अ फेमस वाटरफॉल लोकेटेड नियर अ खारगर, स्टैंडिंग अबाउट 107 मीटर हाई। ये जो झरना है पांडवकड़ा, ये कितने लगभग 107 मीटर की ऊंचाई पर है। उसकी ऊंचाई इतनी बड़ी है और इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि यह माना जाता है कि प्रसिद्ध पांडवों के स्नान के बाद से उनके नाम की उत्पत्ति हुई। और ये जो झरना है ये ट्रैकर्स और इतिहास अपने हिस्ट्री के लिए बहुत ही फेमस है। ये जो वाटरफॉल है यहाँ पे बहुत लोग ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं एंड मोस्टली रेनी सीजन में यहाँ पे जाके लोग इंजॉय करते हैं। ओके और इसकी हिस्ट्री भी फेमस है। देन अवर नेक्स्ट प्लेस इज रॉक गार्डन। सो दिस इज अ रॉक गार्डन लोकेटेड इन नेरुल। सो दिस गार्डन विद द लिटिल रॉक कट, यहाँ पे चट्टान में गुफा जैसे बनाए हैं, केव्स बनाए गए हैं एंड ऑल्सो हैव अ चिल्ड्रन प्ले विद आर इक्विपमेंट लाइक स्लाइड स्विंग। और यहाँ पे बहुत सारी इक्विपमेंट है, झूले हैं अलग अलग प्रकार के। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देखने के लिए क्या है, इट हैज़ अ एनिमल स्टैचू। यहाँ पे जानवरों की मूर्तियाँ है और वो बहुत ही अच्छी है, मैंने पिक्चर में भी आपको बताया है। द इंटायर एरिया इज ऑन अ पीस ऑफ द लैंड, सो वॉकिंग अप एंड डाउन ओवर लार्ज लॉन एंड पाम वेज इमेंस फन फॉर चिल्ड्रन। और बच्चों ये बहुत ही अच्छा लॉन है, यहाँ पे बहुत बड़ा लॉन है, तो जो भी मतलब कभी भी बच्चे यहाँ पे जाते हैं तो उन्हें बहुत मजा आता है, वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन ये जो पार्क है यहाँ पे आप कुछ भी खाना नहीं खा सकते, यहाँ पे जो भी कुछ खाना है तो इसकी अनुमति नहीं है। ओके देन अवर नेक्स्ट प्लेस इज बेलापुर मैंगो गार्डन। सो दिस इज द बेलापुर मैंगो गार्डन लोकेटेड इन अ बेलापुर। ये जो बेलापुर मैंगो गार्डन है कहाँ पे है? बेलापुर में है। द पार्क इज डिसाइडेड एक्सक्लूसिवली टू ग्रोइंग अ नरिशिंग मैंगो ट्री। और यह पार्क में इम्पोर्टेंट क्या है, आम के पेड़ों की उगाने की और पोषण के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है यहाँ पे, ये जो गार्डन है ना यहाँ पे। सो देयर इज ए ऑलमोस्ट एवरी वेरियंट ऑफ मैंगो ट्री नरिश थ्रू आउट द ईयर हियर। और यहाँ पे पूरे लगभग पूरे साल भर आमों के पेड़ों का हर प्रकार का पोषण होता है। एंड दिस पार्क ऑल्सो हैव अ इक्विप्ड सिंक्स, मतलब यहाँ पे सिर्फ ये मैंगो पेड़ ही नहीं है, आम के पेड़ ही नहीं है, बट बच्चों के लिए भी खेलने के लिए यहाँ पे झूले हैं, बहुत ही अच्छे गार्डन है एंड ऑल्सो हैव मिनी पॉन्ड इन द गार्डन, यू कैन सी द डक्स। और यहाँ पे छोटा सा तालाब भी है, उसमें आप बतख भी देख सकते हैं। ओके देन अवर नेक्स्ट प्लेस इज बेलापुर फोर्ट। ओके सो दिस फोर्ट इज लोकेटेड इन अ बेलापुर। देखो अपने यहाँ पे नज़दीकी फोर्ट है लेकिन हमने कभी भी इसके बारे में पढ़ा नहीं है। सो आई गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस फोर्ट। ओके सो द बेलापुर फोर्ट इज पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन फॉर दोज रेसिडिंग इन नवी मुंबई। ओके ये भी पॉपुलर एक प्लेस है। द फोर्ट वॉज बिल्ड बाय द सिद्दीज ऑफ जंजीरा टू सर्व एज ए वेंटेज पॉइंट। और ये जो किले का निर्माण है ये जंजीरा के सिद्धियों द्वारा सहुलिखित बिंदु के रूप में किया गया था, ये इसकी हिस्ट्री है। ओके सो दिस प्लेस इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस। ओके देन अवर नेक्स्ट प्लेस इज डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम। ओके सो दिस इज द डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम लोकेटेड इन नेरुल। आप में से जो भी बहुत सारे बच्चे हैं उन्हें पता होगा, जिनको क्रिकेट बहुत पसंद है, यस ना। सो द स्टेडियम बिगन ऑपरेशंस इन 2008। स्टेडियम का संचालन 2008 में शुरू हुआ था। हैज सीन्स होस्टेड इवेंट्स सच एज कंसर्न फुटबॉल मैचेस एंड क्रिकेट मैचेस विथ क्रिकेट बिगिन द मोस्ट पॉपुलर गेम। और यहाँ पे कौन कौन से बहुत सारे इवेंट भी ऑर्गेनाइज होते हैं और यहाँ पे क्रिकेट तो खेला ही जाता है, उसके साथ फुटबॉल के भी मैचेस यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है।
और उसके साथ ये जो स्टेडियम है ये किसके लिए फेमस है? अभी आप सभी को पता है क्रिकेट के लिए, यस ना? सो दिस स्टेडियम इज फेमस फॉर ए क्रिकेट, ओके? देन अवर नेक्स्ट प्लेस इज एरोली नॉलेज पार्क. सो आप सभी ने जो एरोली नॉलेज पार्क है वो अब हम लोग देख सकते हैं, वो सब जो भी कंपनीज है वो सब हम लोग देख सकते हैं. एंड इट बिकम अ पॉपुलर प्लेस फॉर ए आईटी कंपनीज. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है नवी मुंबई का. जो आईटी पार्क है यहाँ पे बहुत बड़ा ये आईटी पार्क है, ओके? देन अवर लास्ट प्लेस इज राजीव गांधी जोगर्स पार्क. सो दिस इज राजीव गांधी जोगर्स पार्क लोकेटेड इन वाशी. ये जो पार्क है ये कहाँ पे है? वाशी में है. एंड दिस इज वेरी नाइस प्लेस, यू कैन सी इन अ पिक्चर, यस ना? सो देयर इज ए वॉकिंग ट्रैक एंड राउंड 2 किलोमीटर बोटिंग इज ऑल्सो अवेलेबल हियर. और यहाँ पे क्या है? वॉकिंग ट्रैक है और 2 किलोमीटर बोटिंग भी बोटिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है. बच्चे जाते हैं तो वो बोटिंग भी कर सकते हैं, ओके? सो ऑल ऑफ यू लाइक दिस प्लेसेस, ओके? सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल द लाइक दिस ऑनलाइन पिकनिक एंड एंजॉय. आई वुड लाइक टू थैंक यू to our chairman and our principal ma'am to give us a permission for doing this online celebration. Thank you so much Bhau sir and thank you so much Smita madam. And my dear student, I make one video for you so you can see this video and enjoy. Okay, thank you, bye. पेड़ों में ताली बजी, पत्तों की सीटी बजी. अजी हंसी मची बच्चों की. मोर गिलहरी हिरन सुनहरी उछल रहा है.